हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूटीएस ऐप के बारे में। यूटीएस ऐप, जहां तक मैं आपको अगर मे भी मालूम हो, अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बता देता हूँ। यूटीएस ऐप वो है जैसे आप जनरल टिकट कटवाने के लिए जाते हैं या फिर आपको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए तो आपको स्टेशन पे खड़े होकर लाइन में ये चीजें करवानी होंगी, चाहे आप जनरल टिकट करवाए कहीं से भी कहीं का, चाहे आप प्लेटफॉर्म टिकट ले, ठीक है। बट यूटीएस में आप ऐप में आपको क्या दे रखा है कि आप किसी भी स्टेशन से अगर 5 किलोमीटर दूरी के अंदर में है तो आप वहां से टिकट जनरल टिकट काट सकते हैं। आप स्टेशन के नजदीक है, 200 मीटर 300 मीटर नजदीक है, तो आप प्लेटफॉर्म टिकट काट सकते हैं एंड आपको लाइन में लगने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यूटीएस ऐप कैसे यूज करना है, कैसा उसका आइकन है और कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को करना है सब्सक्राइब और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को करना है लाइक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे एंड हमें अपने फ़ोन में सबसे पहले यूटीएस ओपन कर लेना है, ठीक है। यूटीएस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर जाके यूटीएस सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, प्ले स्टोर पर चलते हैं हम एंड यहाँ यूटीएस जैसे हम सर्च करते हैं सबसे पहले ये आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है एंड ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आपको कुछ आइकन दिखेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ ये सारी चीज़ें ना बता के आपको बोलूँगा कि आप यहाँ लॉगिन का ऊपर दिख रहा है आइकन यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे लॉगिन पे जाए और लॉगिन पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से इस पे आईडी बना रखा है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है एंड पासवर्ड डालना है, देन लॉगिन, ठीक है। पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास पहले से अकाउंट नंबर, पहले से आपने इस पे आईडी नहीं बनाया है तो आपको करना क्या है, नीचे डोंट हैव अ अकाउंट, ठीक है, एंड इस पे रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी, आपको ये फिल करना है, मोबाइल नंबर, इंटर योर नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, सिलेक्ट जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, आई एक्सेप्ट, देन इसको करना है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर करने के बाद दोस्तों हमें आ जाना है होम पेज पे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं होम पेज पे दोस्तों। पेज रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद आपको आना है अपने मेन पेज पे। मेन पेज पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ दिखता है नॉर्मल बुकिंग, क्विक बुकिंग एंड प्लेटफॉर्म टिक बुकिंग, क्यूआर बुकिंग। ये सारे बुकिंग के जो है ना दोस्तों, ये इतने सारे कॉलम दे रखे हैं, कैंसिल टिकट, बुक हिस्ट्री, शो टिकट, ट्रे आर वॉलेट, हेल्प प्रोफाइल एंड नीचे नॉर्मल, नीचे बुकिंग का वो दिखा रखा है कि आप कैसे बुक कर सकते हैं। नॉर्मल है एक पेपरलेस और एक बुक प्रिंट पेपर, ठीक है। तो आप ज़्यादातर, तो वैसे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप विदाउट पेपरलेस, मतलब पेपरलेस टिकट बुक कीजिएगा। अदरवाइज आप बुक प्रिंट पेपर भी कर सकते हैं, आपके फ़ोन में बस उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए या आप यहाँ से भी ऐप खोल के दिखा सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कई जगह नेट नहीं चलता तो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आप अगर किसी भी स्टेशन से उसके एरिया में 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द हैं, मतलब अगल बगल हैं, 5 किलोमीटर के अंदर हैं, तो आप नॉर्मल टिकट पर जाके, ठीक है, एज ए जनरल टिकट, ठीक है, यहाँ पे बुक कर सकते हैं चाहे कहीं से भी कहीं का। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दिल्ली टू गुड़गांव, गुड़गांव, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट करते हैं तो जो ट्रेन होगा, सॉरी, पहले तो आपको दिखा देगा कि नॉर्मल बुकिंग कैसे क्या है। एडल्ट वन, अगर आपको यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हैं इसको, एंड जनरी मेल है या एक्सप्रेस, वो जो भी नेक्स्ट ट्रेन आने वाली होगी वो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा, ठीक है, एंड क्लास, ठीक है, एंड पेमेंट गेट फेयर। इसके बाद हमें करना है गेट फेयर पे क्लिक एंड यहाँ पे आपको दिखा देगा टिकट का फेयर, कितना क्या टिकट है, ठीक है। तो सोर्स स्टेशन दिल्ली, डेस्टिनेशन गुड़गांव और वाया PTNR, ठीक है, एडल्ट वन, क्लास सेकेंड, टिकट टाइप जनरी, ट्रेन टाइप मेल एक्सप्रेस, ठीक है, 30 रुपये इसका फेयर है। अब हमको इसको यहाँ से कर लेना है बुक, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, चलिए अब बैक आ जाते हैं, अब ऐसे बुक कर सकते हैं जनरल टिकट। अब हम चलते हैं
क्विक बुकिंग में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्विक बुकिंग में मतलब फास्ट बुकिंग के लिए है, ठीक है, आप सेम तरीके से कर सकते हैं, बट इसको हम इग्नोर करते हैं। अब आते हैं हम प्लेटफॉर्म टिकट पे। प्लेटफॉर्म टिकट का भी सेम है, चाहे आप प्रिंटआउट वाला कीजिए, चाहे आप बुक ट्रेवल्स वैसे वाला वैसे पेपरलेस कीजिए, ठीक है। इसमें आपका GPS ऑन होना चाहिए दोस्तों, GPS ऑन रहेगा। और ये दो देखिए मैसेज आया था ना, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, देखिए ये आ गया ना मैसेज, लोकेशन आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो क्या कहते हैं, पेपरलेस प्लेटफॉर्म टिकट इज अलाउड विद इन 2 किलोमीटर रेंज फॉर पेपरलेस टिकट इनेबल रेलवे स्टेशन, प्लीज ट्राई बुकिंग विद इन द परमिसेबल रेंज, ठीक है। तो ये जो है आप प्लेटफॉर्म टिकट विद इन 2 किलोमीटर के रेंज में ही ले सकते हैं, जब भी आप किसी स्टेशन का ले रहे हो उसके नियर बाई 2 किलोमीटर के रेंज में, और आपका GPS ऑन होना चाहिए उस टाइम। तो अभी तो हम घर से वीडियो बना रहे हैं तो ये तो मैं करके नहीं दिखा सकता आपको, बट हाँ आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले इससे पहले प्लेटफॉर्म टिकट बुक कराया ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ से बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप कोई भी टिकट बुक हिस्ट्री देखना चाहें तो यहाँ से बुक हिस्ट्री देख सकते हैं, मैंने लॉगिन नहीं करा अभी। सो टिकट आप कर सकते हैं, और आर वॉलेट भी देख सकते हैं, आप यहाँ वॉलेट में पैसे ऐड करके भी रख सकते हैं। अगर आप रेगुलर आते जाते हैं तो आपको वॉलेट से पेमेंट में और भी डिस्काउंट भी मिलेगा, 5 या 10% का समथिंग डिस्काउंट भी है। प्रोफाइल देख सकते हैं, और अगर कुछ इशू होता है तो आप हेल्प भी ले सकते हैं। तो और ये बिल्कुल सेफ ऐप है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, इसके तहत जो है इन्होंने डेवलप करा है इस ऐप को, और इसे प्रॉपर गवर्नमेंट देखती है, तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें, सेफ है, सुरक्षित है। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट में जाके अपना सवाल कर सकते हैं, एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके एंड वो भी इस ऐप का यूज कर सके। और ज्यादातर लोग जो लाइन में खड़े रहते हैं, अब वैसे भी अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो लोगों को दिक्कत होती है, तो लाइन में ना खड़े होके वो इस सुविधा का लाभ उठा सके। तो मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।